हेडिंग डालना उसी के आगे से, रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई, वाई एंड साई लिखा, हेडिंग डाल दो रिलेशन बिटवीन y and psi. मतलब हमको एक लास्ट में एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिस इक्वेशन में दो लोग इन्वॉल्व हों, पहला कौन इन्वॉल्व हो y और दूसरा कौन इन्वॉल्व हो psi. psi टेंजेंशियल टेंशन जो आपका होता है वो, या कह सकते ना जो टेंजेंट खींचा जाता है पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर जो आपका टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाता है वो साई होता है. तो वाई के और साई के बीच में रिलेशन निकालने की शुरुआत कर रहे हैं. शुरुआत वहीं से होगी क्योंकि रिलेशन चाहिए किसके, साई के और वाई के. तो पहले तो हम साई को ही इन्वॉल्व करा देते हैं. सामने लिस्ट पड़ी हुई है साई देने वाली, ये इक्वेशन s is equal to c tan psi. सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करो, लिखो s is equal to c tan psi, s is equal to c tan psi. ठीक, अच्छा हमको y से भी एक रिलेशन चाहिए जिसमें y भी इन्वॉल्व हो जाए. हम और कुछ नहीं करते इस पूरे को, चूंकि s इन्वॉल्व है. और सोचो हमें कल को कहीं ना कहीं पर s को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको रिलेशन केवल दो के बीच में चाहिए, बाई के और साई के. एस को हटाने के लिए ये फिगर भी याद रखना चाहिए, डी एस डी वाई डी एक्स. और यहां से हम लोगों ने लिखा था डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर लिखा गया था. और यहां से हम लोगों ने लिख दिया था. अब यहां से दो और रिलेशन बनते हैं. एक तो ये बनता है डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक तो ये बनता था. और एक बनता है डी एस डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई, अपॉन नहीं है लेकिन हाँ अपने लोग कुछ भी कह सकते हैं, डी एक्स डी वाई का होल स्क्वायर. ये रिलेशन साथ में निकल करके आते हैं. हम एक काम करते हैं इस पूरे हिस्से को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. लिखना डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू y. पूरे को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हिस्सा आपका हो गया डी एस डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, बाहर आया tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर sec स्क्वायर साई, और साई के लिए डी साई डीडी. अभी सही प्रोनाउंसिएशन की लंबा वाला ना. चलो चलो फटाफट और मेरे ख्याल से टेन साई याद है किसी को, टेन साई क्या होता है डी बाई डी एक्स. अच्छा टेन का उल्टा जरा करो वन अपॉन टेन कॉट साई, कॉट साई क्या होगा याद है, चलो बस इतने की जरूरत है लिखना. दिस इंप्लाइज दैट सामने रिलेशन मौजूद है डी एस डी वाई, ये रहा, ये कितना होगा अंडर रूट वन प्लस डी एक्स डी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी sec स्क्वायर साई. अब डी साई डी वाई इनको निपटाओ, डी साई डी वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं सोच करके जवाब दो. डी साई डी वाई की जगह पर यानी डी डी वाई ऑफ साई इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं सोच करके जवाब दो. अगर जवाब नहीं पाए कितना रोक रहे हैं हम टाइम दिए. हम खाली सुबह सुबह ना तुम लोगों का दिमाग का मॉर्निंग वॉक करा रहे हैं बस, खाली और कुछ नहीं करा रहे हैं. क्या लिखोगे अभी, अब तक कोई रिलेशन ऐसा मिला है, कोई नहीं मिला है, मतलब कुछ नहीं लिखोगे. कल को हो सकता है चल के आगे वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, एक हिस्सा कहीं इंटीग्रेट हो साई के रिस्पेक्ट में, एक कहीं के रिस्पेक्ट में, बस और कुछ नहीं.
अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आई बात समझ में? दिमाग ना चला कुछ ना कुछ दिमाग चला देते हो जितना, ये सुनो तुम्हारे पास बस इतनी ही लिस्ट है, अपने पास जितनी इंफॉर्मेशन का पूरा जो पैकेट अपने पास है इंफॉर्मेशन का, वो केवल बस इतना ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है। मेरे पास DDY ऑफ साई ऐसा कोई रिलेशन मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिखने की कोशिश भी कुछ नहीं करेंगे, वो एज इट इज जैसा था वैसा अभी अडॉप्ट कर लिया जाएगा, बाद में देखा जाएगा वो कैसे क्या बनता है। ए नहीं हम कह दिए, क्या लिख सकते हो अपने अपने हिसाब से, टेन इनवर्स पार्ट इनवर्स जो मर्जी सो निकाल दो, इतना गणित ना निकाल दो। चलो शुरुआत करो, इसको अभी एज इट इज छोड़ देना, डी साई डी वाई एज इट इज छोड़ दो, उसके लिए कुछ ना। सुनो इधर सबको पता है dy dx tan psi होता है, ठीक, फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए हम यहां लिख दे रहे हैं, सिंस dy dx इज इक्वल टू tan psi, दिस इंप्लाइज दैट, हम पूरा पलट रहे हैं, इसका मतलब dx dy इज इक्वल टू cot psi होगा। तो सोचो ये इक्वेशन चेंज किस में हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर psi लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा therefore अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर psi इज इक्वल टू c sec स्क्वायर psi d psi d y। नोट करो फटाफट, नोट करो, और अंडर रूट 1, ये 1 प्लस cot स्क्वायर psi क्या cosec स्क्वायर psi होता है, और अगर वो cosec स्क्वायर psi होता है तो मेरे ख्याल से हम पूरे में से केवल बाहर cosec psi ले सकते हैं। यहां पर अगर हम लिखें तो ये बन चुका है, एक लाइन और लिख दे रहे हैं, cosec psi is equal to cosec psi is equal to c sec square psi d y। अब नोट करो, मैथ की कैलकुलेशन यही एक चीज सीखनी होती है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या तो आप जोड़ तोड़ करके कुछ लेकर के आओगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाओगे बची हुई इंफॉर्मेशन का कहीं और इस्तेमाल करने के लिए। मेरे पास डी साई डी वाई का ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, हम सवाल इसीलिए पूछे थे, ये कहां से लाते हो इतनी तगड़ी गड़े, कौन टैन बना दिया, कौन टैन इनवर्स बना दिया, जहां उनके वहीं पर पता चलता है हिंदुस्तान में अभी भी दिमाग खूब अच्छे से बह रहा है, अभी पता चलता है किसका, अभी अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी तो अपने को रिलेशन, अगर तुम किसी और का इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग यहाँ पर रुका हुआ है, मुझको केवल दो के बीच में रिलेशन चाहिए, किसके किसके, y के और साई, तो हम कोई नई क्वांटिटी अगर ले ले, जैसे हम s को इन्वॉल्व करा लें, अगर हम s को इन्वॉल्व करा ले कहीं से तो पता चले s को हटाना पड़ेगा, s इन्वॉल्व नहीं कराना, इस वाली पर्सन से y स्क्वायर प्लस किससे कह रहेगा, किससे, लास्ट वाली पर्सन से, ये वाला y इक्वल टू कितना, s s स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे वहां पे जाके, s की वैल्यू रख देंगे, अगर इसमें 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 डायरेक्ट आ गया पता, रुक जाओ, s की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तुम ये कह रहे हो कि जो y स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया गया है, यहाँ से s स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा c स्क्वायर, अब दिस इंप्लाइज दैट इस वैल्यू का इस्तेमाल कर लिया जाए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू c tan psi, ये कह रहे हो ना, ठीक है, अभी देखते हैं ना, आगे बढ़ते चल रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है अपने को, चलते रहते हैं ना, होगा यही इस्तेमाल करेंगे सीधे सीधे, क्या जा रहा है अपना काम एक के लिए थोड़े, काम तो लंबी दूरी का खेल खेल रहे हैं ना, इतने तक का लिख लो सब लोग, तो फिर आगे चलो। जो लोग बाद में आए फटाफट नोट कर ले, तो फिर आगे बढ़े, ये याद दिला दो कौन कौन से रिलेशन अपने हो चुके हैं, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में कैटलरी का इक्वेशन हो गया है, इसके तुरंत बाद क्या करवाए थे, किसके किसके बीच का, x के और s के बीच का हो चुका है, y, इसके बाद फिर y और s के बीच का हो चुका है,
अभी वाई के और किसके साई के बीच अब एक काम करो, क्या वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है? तो साई वाले हिस्से एक तरफ कर लो और बाकी का वाई का हिस्सा एक तरफ कर लो. दिस इंप्लाइज दैट डी वाई को इधर ले रहे हैं. डी वाई इज इक्वल टू सी sec स्क्वायर साई इंटू वन अपॉन cosec साई. cosec साई और साथ में कितना डी साई. नोट करो क्या गड़बड़ लगा, क्यों अलग अलग लिखे हैं? जानबूझ करके लिखे हैं. This implies that dy is equal to, हम चाहते तो मैं एक लाइन में सीधे लिख सकते थे लेकिन कुछ लोग बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे. इधर सुनना, sec स्क्वायर साई जो है, सॉरी वन अपॉन cosec साई कितना होता है? साइन साई. तो ये तो हो जाएगा साइन साई, तो इसकी जगह थोड़ी देर के लिए हम लिख दे रहे हैं ये अपना साइन साई है. और sec स्क्वायर साई को दो हिस्से में तोड़ देते हैं, एक तो sec साई बचा लेते हैं और दूसरे को वन अपॉन cos साई लिख देते हैं. ठीक, तो एक हिस्सा हो गया सी sec साई और इंटू ये अपॉन cos साई और साथ में कितना डी साई. यानी ये बन गया, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई इज इक्वल टू सी sec साई इंटू टेन साई और डी साई. मेरे ख्याल से मेरे लिए इंटीग्रेशन ज्यादा आसान हो गया ना. अब नोट कर और अगला काम होगा केवल और केवल इसको इंटीग्रेट कर देना. कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दी का काम सरबान का होता है ना. तुम हो ना हम कि तुम लोग हो तेरे यानी बंसल छिपे ना लोग नहीं. कभी मन करता है जरूरत के हिसाब से कि फिजिक्स पढ़ डाले पूरी एक बार, पढ़ ही रहे हैं ना, फिर मन करता है यार क्या करेंगे ये सब पढ़ करके ना भाई. साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाते पढ़ाते वो भी आ गए हैं, चलो हिंदी पढ़ते हैं ना. लेकिन बात वही है ना कि ऐसे ही डोलते डोलते वही हाल है अपना ना, कभी मन डोले कभी तक डोले, कितना पढ़ाई करे. सुनो इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेटिंग इट, आओ करते हैं इसको इंटीग्रेट. ये तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा y is equal to c, इसका इंटीग्रेशन sec i, c sec i और प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दो c डेल, दैट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब उसकी वैल्यू देख लेते हैं. मुझको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि आखिर इसकी वैल्यू कितनी होगी. फिगर के पास जाओ और चले जाओ सीधे वर्टेक्स पर. रीजन हमको y का हिस्सा भी देखना है, ठीक, और हमको साई का हिस्सा भी देखना है. वर्टेक्स पर ये दोनों मौजूद होंगे. वर्टेक्स पर जाओ, वर्टेक्स पर y बराबर कितना होगा? वर्टेक्स पर c होगा और साई बराबर कितना होगा? जीरो. sec जीरो की वैल्यू sec जीरो वन हुआ, तो ये हुआ c और ये हुआ c. c इज इक्वल टू c प्लस c डैश, यानी c डैश इज इक्वल टू कितना? जीरो. जिनको नहीं आया हम लिख के दिखा रहे हैं. एट वर्टेक्स y इज इक्वल टू c. मेरे ख्याल से कैटलरी का फिगर याद आ गया होगा, जिन लोगों को नहीं याद आया वो लोग ऐसे देख लें. ये हाइट हम लोग कितनी लेते थे? सी लेते थे. तो वाई एक्सिस पर अगर आप सी ऊंचाई चढ़ रहे हो तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? जीरो कॉमा सी होगा. तो आपका वाई बराबर कितना हुआ? सी. और इस पर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो टेंजेंट जो आपका टी जीरो है, या फिर आप यहां से टेंजेंट को लेकर के चलते आओ, क्या ये टेंजेंट धीमे धीमे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है? जब वर्टेक्स पर आ जाओगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. एंगल साई बराबर कितना चलेगा? जीरो. एंड साई इज इक्वल टू जीरो.
दियर फोर वैल्यू रखो सी इज इक्वल टू सी जीरो प्लस सी डैश और इसकी वैल्यू कितनी हो गई वन ये और ये कैंसिल आउट हुआ दिस इंप्लाइज दैट सी डैश इज इक्वल टू जीरो एंड दियर फोर वाई इज इक्वल टू सी सेक साई दिस इज द रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई वाई इज इक्वल टू सी सेक साई उससे टेन में आएगा नहीं सही है अपने को रिलेशन वो चाहिए ना जिसका हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करें मैक्सिमम ये सेक में है और सीधे सीधे वाई बराबर सी सेक साई उसमें जो निकला है ना उसमें टेन इन्वॉल्व है और सी उसमें वाई के साथ सब्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है ना सी उसमें सब्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है तो वो चीजें हमको वो रिजल्ट कई बार नहीं दे पाएंगे जो हमको चाहिए होगा इसीलिए रिलेशनशिप ना हमेशा एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में दी जाती है तो वाई इज इक्वल टू सी सेक्स साई सबसे सिंपल सिंपलीफाई करने पर आएगा दोनों सही है हम थोड़ी कर हम तो उसको कहे ना लिख करके आओ देखते हैं नोट कर लो दैट्स द रिक्वायर्ड रिलेशन काजल कंफ्यूज हो कहीं पर वर्टेक्स एंगल नॉर्मली होता क्या है ना उसको हम लोग इसलिए नहीं लेकर के चलते उसे ये है आदमी देखता है ना टेन में निकाल करके छोड़ दिया वो जान गया रिलेशन तो मिल ही गया उसको वाई इन्वॉल्व है टेन इन्वॉल्व है कॉन्स्टेंट सी इन्वॉल्व है तो टेन पर उसको छोड़ देते हैं एक दो बार हम उसको ट्राई किए शुरुआत में जब पढ़ा रहे थे शुरुआत में तब उसको हम लिखे हर बार लड़के कहते सर बस रोक दीजिए ना इसी पे आगे क्यों सिंप्लीफाई करें क्यों सेक में लेकर के जा रहे हैं तो उनको समझाना पड़ता था भैया आगे चल करके जब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे तो न्यूमेरिकल में तुमको फिर जब इसको रखोगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहने के लिए वहां सिंप्लीफाई करना पड़ेगा वो एक जोड़ तोड़ का हिसाब लगता है तो कई लोग सोचते हैं ना अगर न्यूमेरिकल में जोड़ तोड़ आ गया तो उनके ऐसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं कहते हैं हम इतना जोड़ तोड़ कर पाएंगे एग्जाम में याद रहेगा सर जी कि नहीं याद रहेगा तो हम क्या किया हम उसको डंप कर दिए फिर किताब में जैसे सॉल्विंग दी जाती थी फ्लैट हम उसी सॉल्विंग को उठा लिए हम कहे अच्छा इनको उठा लो तो अब उनके दिमाग में ही नहीं आएगा कि जोड़ तोड़ किया जाए अब सीधे एक रिलेशन रखेंगे y इज इक्वल टू सी से साई और वहां हमको हर बार हम दो साल तक हम ये काम किए थे 12 में भी ये काम किए 13 में भी ये काम किए 12 13 दोनों बार हमको एक की दिक्कत आई 14 से हम इसका मिल बंद कर दिए हम कहे छोड़ो अब इस काम को करवे नहीं करेंगे तब से हम 14 से इसी पैटर्न पर चलते चले आए और जैसे आज तुम पूछे ना ऐसे जब हमसे कोई कहता है सर उससे तो हम ऐसे लिख देते हैं हम कहे आओ अभी देख लेते हैं थोड़ी देर बाद कौन सा एग्जाम में देखो अगर तुम एग्जाम में ये स्टैंडर्ड हो एक होता है ना कि एग्जामिनर उनको पता सब है कि आपने कहां से निकला आप पूरा बता रहे हो रिलेशनशिप उनको चाहिए वो रिलेशन एस और साई के बीच में दे रहे हैं वो चाहे टाइम में दे दें वो चाहे सेक में दे दें बात दोनों सही है कुछ होते हैं ट्रेडिशनल सोच वाले उनके लिए खतरनाक है ना उनकी पिच पर बैटिंग करना मतलब ना आप कभी भी आप रन बनाओगे ना तब भी वो एक की दुक्की वाले हैं चौका मारोगे तो कहेंगे सुरी मारो तो उनके लिए दिक्कत है उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है लिख करके पूछते हैं कभी कभी देते ना प्रूव दैट रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई इज गिवन बाई वाई इज इक्वल टू सी सेक्स साई तब तो आपको यही निकालना है निकालो उसी से जोड़ तोड़ करते हुए चले आओ इधर से और अगर नहीं कहे तो गड़बड़ी है तो भैया इस लिस्ट में एक बात ये भी शामिल कर लो y बराबर सी सेक्स साई इसी लिस्ट में सब शामिल कर रहे हैं y इज इक्वल टू सी सेक्स साई ये लिस्ट ऐसे ही अभी बढ़ी अगली हेडिंग अच्छा किसके किसके बीच में रिलेशन हुआ याद करते रहना सामने सारी लिस्ट सजी हुई है पहले x और s के बीच में फिर y और s के बीच में अब हो गया y और साई के बीच में यहां लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन y एंड साई x और साई के बीच में अभी मिसिंग है तो अगली हेडिंग डाल देना रिलेशन बिटवीन x एंड साई रिलेशन है वो भी एक
हम नहीं माने वो स्टैंडर्ड अजम्पशन से जो माना जाता है T0 is equal to जो आपका हॉरिजॉन्टल टेंशन होता है वो इस तरीके का होता है कि आपकी कैटलरी की जो हाइट है उसको पर यूनिट लेंथ के वेट से मल्टीप्लाई करने के बराबर होता है। तो T0 is equal to W into C लिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए। वो मेरा माना नहीं है, मेरा माना एक को नहीं है, पूरी स्टैटिक्स मेरी मानी नहीं है। हम तो स्टैटिक्स को गणित नहीं मानते हैं, फिजिक्स मानते हैं, शुद्ध फिजिक्स मानते हैं। लेकिन क्या किया जाए, मेरे मानने से दुनिया थोड़े चलेगी। मेरे मानने से चलो ना, हम खाली लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा यही सब पढ़ाएं, स्टैटिक डायनेमिक्स ना पढ़ाएं, हमको बहुत बोरियत लगती है इसको। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साइन। सीधे निकालोगे तो एक तो ये है S बराबर C sin hyperbolic X upon C है और तुमको साई को इन्वॉल्व करना है तो S बराबर कितना C tan साई। तो एक तो ऐसे साफ सुथरा दिखता है C tan साई is equal to sin hyperbolic X upon C, C से C नहीं है, नहीं है, C से C कैंसिल आउट करो, tan साई is equal to साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई। एक तो ये निकलेगा, लेकिन मेरे पास ना किसी न्यूमेरिकल को लगाने में ऐसे किसी रिलेशन की हमको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मेरे लिए यूजलेस है, मेरे लिए यूजलेस है। हमको एक ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा ना जिसकी हमको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। रिलेशन वो काम के होते हैं ना जो आपके काम में आ रहे हैं, वो रिलेशन किसी मतलब के नहीं होते हैं। रियल लाइफ में भी वो रिलेशन किसी मतलब नहीं। अब कहो झूठे कहो ना, मेरा एक दोस्त आईएएस हो गया है। अब दोस्त जब तुमको देखते हैं गाड़ी शीशा चढ़ा लेते हैं, जाओ कहते रहो। कुछ लोग होते हैं ना वो इसी में होते हैं ना, इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर साथ वाले हो गए उनके। अब वो पूरा हर मोहल्ले में आकर के बता रहे हैं, हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था बहुत तेज था, हम लोगों में बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इतने पूछो बस उनसे, तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, वो उन्हीं की गुणगान गाएंगे, फिर सिलेक्शन उनका हुआ है, फेसबुक पे ये चापे पड़े हैं ना, लगे पड़े हैं, लगा दिए उस पे ना, उठा करके चिपकाए हुए उसको ना, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको ज्वाइनिंग के लिए ना, लगे पड़े उसको ढूंढने में, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन तुमको मिल रही है, तुमको नहीं मिल रही है, मिल उनको रही है, लेकिन तुम मिल लगे पड़े हो। अब इनको क्या कहे, ऐसे लोग दुनिया में बहुत बिरले पड़ रहे। मेरे घर में भी एक लोग हैं, मेरे घर में एक लोग हैं, मेरा खुद का फ्रेंड सौरभ नौकरी पाया ना, खास दोस्ती हम लोगों की, लेकिन वो हमको फोन करके बताते हैं खास दोस्ती है ना। हम लोग ग्रेजुएशन एक साथ शुरुआत किए, हम सौरभ अनुराग तीन लोग ऐसे थे ना, किसी से पूछा जाए अनुभव कहाँ है तो हमको ये बता दो, कोई एक जाओगे बाकी दोनों वहीं पर होंगे। हम लोग एक के साथ रहते थे और उसके बाद हम जेएन सर के घर पढ़ने जाते थे तो वहां भी सिचुएशन होती है, जैसे हम लिख रहे हैं मैथ की अपनी नोट्स बनाए हैं, सौरभ को अनुराग को दे देते थे, वो पूरा लिख लेते, उनके पास कोई नोट्स है हमको दे देते थे। इवन यहाँ तक होता था ना एग्जाम में मेरे और अनुराग की कॉपी, मेरे और अनुराग की सीट आगे पीछे लगती थी हमेशा, क्यों, उसका नाम ये था अनुराग और मेरा नाम ये था, ये और ये। अभी अभी सुनो अभी ना, हाँ ये मैच कर जाता था, वो आता अल्फाबेट के लिए था और ये मैच करता था सबसे पहले, और क्या मैच करता था। उसके बाद इनके पिताजी का नाम शिव कुमार था, शिव कुमार मिश्रा, मेरे पिताजी का नाम शिवकरण द्विवेदी। अब ये मैच कर जाता था और इतना काफी था हम दोनों की सीट को यों पढ़ने के लिए, और इतनी खास दोस्ती थी कि ये भी नहीं डर लगता था कि बैच आई तो उड़ गए, ये भी डर नहीं था। हम अपनी कॉपी लिखते थे, अनुराग को थमा देते थे, अनुराग अपनी कॉपी लिख के हमको थमा देते थे, ऐसी भी कंडीशन होती थी। और हुआ है ऐसा, जब बैच आई हुई है दोनों लोगों के हाथ पैर फूल गए हैं, लेकिन फिर भी अगले पेपर में हरकतें बंद नहीं हुई है, वही स्टूडेंट लाइफ वाली हरकतें। जब देख के दोस्ती नहीं किए, ये सब देख के नहीं, हम लोग हम और अनुराग के इधर जी आई सी में साथ पढ़ते थे। उसके बाद क्या हुआ बैच आने के बाद, नहीं हाँ कुछ बताने जा रहे थे
हाँ रिलेशनशिप वाली बात बता रहे हैं ना, सौरभ का सिलेक्शन हुआ, सौरभ इस समय प्राइमरी में टीचर है इसमें केंद्रीय विद्यालय में, और इसके पहले दीवानी में एक जगह पर स्ट्रोनो में किसमें था, उसका सिलेक्शन हुआ था। तो हमको फोन किए, कह रहे वो मेरा भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, चूंकि हम ही तो बड़े हैं सबसे, तो कह रहे हैं भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, उससे 2 साल बड़े हैं सौरभ से। अब जैसा भी लिखाया गया है वो लिखाने वालों के ऊपर है। तो हम कह सौरभ ठीक है तुमको बधाई दे रहे हैं, लेकिन हमसे मत कहना तुम्हारा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हम लगाएंगे कहीं पर, पहले बता दे रहे तुमको ना। उसके बाद फिर अपना हुआ, कहे नहीं यार हम तुमको जान रहे तो वैसे ही हो, इसी माइंड सेट को हम कह हाँ बस हम वैसे ही हैं, मेरा हम तुम्हारे साथ खुश हो सकते हैं लेकिन जानते मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए हमको तुमसे जलन भी हो रही है, जो है एक्सेप्ट करो साफ सुथरा, दोहरा फिर काय के लिए रखना यार। अच्छा जलन भी ऐसी जलन नहीं, उनका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं, पता है ना मेरी उनकी फील्ड अलग है, वो प्राइमरी भर्ती देख रहे थे, बाकी वनडे एग्जाम देख रहे थे, हम इधर हायर एजुकेशन देख रहे हैं। तो ये जलन नहीं, जलन इस बात की हम उनकी तरह नहीं कर सकते दूसरे लोगों की तरह कि लगा दिए फेसबुक पे उठा करके मेरे परम मित्र इतना, अरे सचले कभी शुद्ध हिंदी नहीं बोलोगे, तो शुद्ध हिंदी बोलोगे, मेरे परम मित्र फलाने ढिकाने धमकाने देशभक्ति नोट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई लिखना। तो रिलेशनशिप वो अच्छी होती है ना जो एकदम क्लोज में हो और आपके हर बार इस्तेमाल में आए, हर बार यूज में आए। तो इसीलिए हम लोग इनको इनको लेकर के ना कोई रिलेशनशिप बनाने वाले नहीं है, अपने लोग इनको उस जगह पर लेकर के जाएंगे जिसका हम मैक्सिमम यूज करते हैं। और तुमको बताएं ये चीजें एक दिन में नहीं आती हैं, ये चीजें पढ़ते पढ़ाते आपको धीमे धीमे विजुलाइज होने, पहले हम भी ये सोचते थे क्यों इसको इंटीग्रेट करके निकाले जब यहां से एक रिलेशनशिप मिल रही है, लेकिन बाद में जब न्यूमेरिकल लगाना शुरू किए इसके तब पता चलता है कि न्यूमेरिकल में उस रिलेशन को हमको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी जिसको हम सोच रहे थे, न्यूमेरिकल में हर बार उसी की जरूरत पड़ी जो यहां है। और अगर कभी किसी दिन ऐसा न्यूमेरिकल सामने आ गया जिसमें उसकी जरूरत है तो बीच रास्ते में जोड़ तोड़ कर लेंगे, वो तो अपने ऊपर है। तो जो हमेशा काम में आता है उसको आपको आंख के आगे रखना है, और जो कभी कभी काम में आता है उसको रख दो बाई पार्ट पर, वो बाद में जोड़ तोड़ करके निकल जाएगा। तो ये रिलेशन बाद के लिए छोड़ दिए जाते हैं, कभी किसी न्यूमेरिकल में अटके तो जोड़ तोड़ कर लिए जाएंगे। शुरुआत करते हैं एक्स एंड साई में, वही बात, सिंस एस इज इक्वल टू सी टेन साई, इक्वेशन नंबर 1 कह देना इसको, एस इज इक्वल टू सी टेन साई। पिछला वाला जब आप वाई और साई के बीच में, पिछला वाला देखना, जब y और साई के बीच में रिलेशन निकाल रहे थे तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, जिसका चाहिए उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, अभी किस में ला रहे हो x और साई, तो किसके लिए डिफरेंशिएट करो x की, यही बातें याद करनी है ना। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते कब कौन सा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, नहीं अभी से दिमाग खोल करके पढ़ो तुमको हमेशा याद रहेगा, जब आप वाई के और साई के बीच में निकालो तो किसके लिए करो वाई के लिए ही करो, और जब आप साई के और एक्स के बीच में निकालो तो एक्स के लिए डिफरेंशिएट करो। लिखना डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे एक्स के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, ये बनेगा डीएस डीएक्स इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई डी साई डी एक्स, और डी साई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी कुछ नहीं अभी समझे, कल को वेरिएबल सेपरेबल होगा। अच्छा इन पर आना फिर से, ये याद रखना, हाँ हाँ हम जानबूझ करके लिख रहे हैं, कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर होगी मेरी तरह। डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, गणित की दुनिया में एक चीज बड़ी अच्छी है कि अगर आपको किसी चीज को याद करना ना बार बार लिखो, बार बार लिखो, अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, ds dx चाहिए, तो यहां से देखना ds dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर, लिख दो इसकी जगह पर, दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 1 प्लस dy dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c sec स्क्वायर psi d psi dx, लेकिन सबको पता है dy dx कौन, tan psi, dy dx tan psi, तो ये हुआ 1 plus tan स्क्वायर psi, this implies that under root, पहले तो हम पूरा लिखेंगे ना, 1 plus tan स्क्वायर psi is equal to c sec स्क्वायर psi d x, और ये हो गया sec स्क्वायर psi, बाहर आएगा केवल और केवल कितना sec psi, यानी this implies that sec psi is equal to c sec square psi d psi
डी एक्स काट पीट मचा सकते हो, काट पीट मचा दो, कोई रोक टोक नहीं है। सेक्स आई और सेक स्क्वायर आई कैंसिल आउट हो। अच्छा ये बताओ क्या वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करें? तो dx के फैक्टर एक तरफ कर दो, दिस इंप्लाइज दैट dx इधर लेकर के आए इज इक्वल टू c sec psi d psi। और मेरे ख्याल से sec psi का इंटीग्रेशन याद है log ऑफ sec psi plus tan psi, भूल गए इंटीग्रेशन sec x dx log ऑफ sec x plus tan x, लिख दो इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेटिंग इट x is equal to c log sec psi plus tan psi और plus एक तो constant add कर दो c dash, c dash पिछले में add किए थे constant की बड़ी कमी पड़ जा रही है, c1 add कर दो, c1 तो नहीं add किए कभी ना, log c1 कर सकते हैं, नहीं log log ना कर रही है ना, अभी निपटा देंगे वो बेचारा वैसे ही खत्म होगा, हाँ वो बेचारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा ना करना, सारे जीरो आ रहे तो वो जीरो चला जाएगा, बच भी सकता था कोई ना, सब लोग नोट कर लो तो फिर आगे के लिए हर बार हम कहां आएंगे वर्टेक्स पर ही आएंगे ना, चमगादड़ की तरह उल्टे लटकने की आदत डाल लेनी पड़ेगी, हर बार वर्टेक्स पर ही तुला रहा है, वर्टेक्स पर एक्चुअली आना अपनी मजबूरी है क्योंकि हमको कहीं ना कहीं C1 की वैल्यू निकालने के लिए इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा और ये एक ही जगह पर एलिमिनेट होते हैं वर्टेक्स पर जाकर के, जब आप साई को क्या कर देते हो जीरो कर देते हो तब ये एलिमिनेट होता है। अच्छा वर्टेक्स पर जब आओगे लिख रहे हैं अभी कुछ लोग, लिख लो लिख लो रुके, अपने कोई जल्दबाजी नहीं, जिनको आ रहा है वो लोग अपना कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो कर दे, जिनको आ रहा है जो लोग लिख रहे हैं वो अभी मेरे साथ बने रहे, अच्छा ये हटा सकते हैं जो लोग लिख रहे हैं, ये हटा सकते हैं, फिगर यही था अपने पास, ये वर्टेक्स था मेरा सी, इधर टेंशन काम कर रहा था टी जीरो और इधर काम करता था टी कॉस साई। अच्छा अगर लिख चुके हो तो एक बार इधर देखना, वर्टेक्स पर जब चले जाओगे तो वर्टेक्स वाई एक्सिस पर मौजूद है, ये हाइट कितनी है सी, तो ये कोऑर्डिनेट होता था जीरो कामा सी, मतलब एट द पॉइंट कैपिटल सी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता था जीरो, तो अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एट वर्टेक्स, एट वर्टेक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एंगल साई की अगर बात करें तो एंगल साई ऑलरेडी वर्टेक्स पर कितना होगा जीरो होगा, उठा करके वैल्यू इसमें रखो तो एक्स बराबर कितना हुआ जीरो और साई बराबर जीरो है तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो, लेकिन सेक्स साई सेक्स जीरो की वैल्यू वन और लॉग वन की वैल्यू जीरो, कुल मिला के सी वन बराबर जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू सी लॉग हम लिख दे रहे पूरा सेक जीरो प्लस टेन जीरो प्लस सी वन इंप्लाइज दैट जीरो इज इक्वल टू सी इंटू लॉग वन प्लस सी वन इंप्लाइज दैट सी वन बराबर जीरो, डी एफ फोर लॉग जीरो माइनस इंफिनिटी होता है ठीक, डी एफ फोर एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन आई, x is equal to c log sec psi plus tan psi। अब तुमको हम ये भी बता दे रहे हैं जो हम कहे कि ये सब धीमे धीमे लगाते लगाते सीखते हैं कि न्यूमेरिकल में कैसा इस्तेमाल होगा, तुम याद करो 2x क्या होता है कैटनरी में स्पाइन होता है ठीक, तो न्यूमेरिकल ऐसे हैं इसमें कम से कम तीन से चार न्यूमेरिकल ऐसे हैं जब आपको स्पाइन निकालना है और स्पाइन को लॉग के टर्म में मांगा है, तो जब स्पाइन लॉग के टर्म में मांगा है तो इसका की बात है स्पाइन 2x होता है ना, तो हम x निकाले हैं x का फार्मूला आ चुका है x बराबर होता है c log sec psi plus tan psi, हमको स्पाइन चाहिए तो बस कितना कर दें 2x कर दें, 2x करेंगे तो log में ही स्पाइन आएगा कि नहीं, इसी को देखते हुए ये रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम तीन से चार न्यूमेरिकल हैं जिसमें स्पाइन मांगा हुआ है और स्पाइन log में ही निकाला गया है, आंसर भी log में मांगा है, तो सोचो अगर हम उसको निकालते तो हम साइन हाइपरबोलिक में निकालते क्या करते उसको लेकर के,
नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इस पे ना कहानी खत्म नहीं करेंगे, अभी इस पे हम ना x को एक और टर्म में निकालेंगे, log से भी ज्यादा आसान टर्म में, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं चार न्यूमेरिकल है, चारों न्यूमेरिकल में एक बार log पे मांगा है, दो से तीन बार log पर मांगा है और एक बार विदाउट log वाला मांगा हुआ है, वो है x और y को लेकर के बनाया गया है, x और y को लेकर के स्पैन दिया हुआ है। तो अभी हम इसी को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं और उधर दूसरे वाले रिलेशन पर भी पहुंचते हैं, जितना जरूरत है इधर इकट्ठा कर लेंगे। क्या पहला इक्वेशन s बराबर c tan psi लिया गया था, इसको इक्वेशन नंबर टू कह देना यहीं पर, इक्वेशन नंबर टू, और इसको घेरा मार देना। एग्जाम में अगर कुछ नहीं कहता है तो आप इतने पर छोड़ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये भी रिलेशन है एक्स के और किसके बीच का, साई के बीच का, और यही मुझको चाहिए था। हम अपनी जरूरत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर एग्जाम में किसी को लगे चलो आगे भी निकाल देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बाकी लोगों से अलग लिखना है, तो बिल्कुल आगे जाना अच्छी बात है, बेहतर तो यही होता है ना कि जैसे इतने लोग बैठ करके पढ़ रहे हो, अब एग्जाम में पता चले ऐसा रिलेशन आ गया और सारे लोग एक खान गोचे पड़े हो, तो जो कॉपी चेक कर रहा है, अगर इसमें से 10 लोगों की भी कॉपी उसके पास चली गई चेक करने के लिए, तो दिमाग में तो एक बात आती, भाई सारे लोग डिटो एक जैसा लिखे हुए, क्यों लिखना तुम्हारी मजबूरी, क्योंकि तुम एक ही कोचिंग में पढ़े हुए हो, लैंग्वेज अलग है नहीं, सारे लोग एक ही लैंग्वेज रटे हुए हो, अब तुम अपनी लैंग्वेज डाल दो थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, बाकी तो सब सेम है। तो इसीलिए आपको दूसरे से बेहतर बनना है, आप जितने लोग हो उतने के उतने लोग, सारे लोग ये नहीं कर सकते हो कि आखिरी तक जाओ, तो इसीलिए जो भी लोग बेहतर हैं, बेहतर तो सभी बन सकते हैं, लेकिन तुम में से हर कोई बेहतर है नहीं, सही बोल रहे हैं ना, बुरा लगता है तो लगता रहे ना। हम एक्सटेंशन की थ्योरम करवाए, इनवेरियंस थ्योरम करवाए, एक छोटा प्रूफ एक लॉन्ग प्रूफ करवाए, छोटका वाला हमें चिपका दिया, तुम लोग टेस्ट लेने में छोटका प्रूफ हमें चिपका दिया और सब छोटका चिपकाए, मजे की बात है, कोई लॉन्ग प्रूफ नहीं टच किया था। तो बस ऐसे जान लो यही हाल एग्जाम में होता है, तो एग्जाम में अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए तुम चाहो तो इसके आगे बढ़ सकते हो और वो ज्यादा बेहतर होता है, पता तो चले कम से कम कि हाँ किसी ने कुछ तो किया है। कल ग्रुप में क्वेश्चन चला गया है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से अब उसको सॉल्व करना। तुम लोगों में भेजा नहीं भेजा? नहीं भेजा तुम लोगों में? ऐसा कुछ नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो हम वॉइस के किसी ग्रुप में हम फर्स्ट ईयर में तो नहीं भेज दिए हैं, ये देखिए उसको नहीं बवाल हो जाएगा। वापस आ जाओ माता सीधा लिखना आगे। ये बताओ एक रिलेशन वाई के और साई के बीच में पड़ा हुआ है, वाई और साई के बीच में है कि नहीं है? ये रहा वाई बराबर सी से साई, इसका अगर हम इस्तेमाल करें, क्योंकि सेक साई मेरे पास मौजूद है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखना अगेन यूजिंग वाई इज इक्वल टू सी से साई, अगेन यूजिंग वाई इज इक्वल टू सी sec psi, एक ये रिलेशन और दूसरा s बराबर c tan psi है, जो कि tan में मौजूद है। हम ना धीमे से ये sec और tan दोनों निपटा देना चाहते हैं, sec भी हटा देंगे और tan भी, तो एक तो ले लें y बराबर कितना c sec psi और दूसरा ले लो s बराबर c tan psi, यूजिंग दिस x बराबर बोलो कितना बनेगा, x इज इक्वल टू c log y sec psi की जगह पर हो जाएगा y अपॉन c और प्लस tan psi की जगह पर s अपॉन c, लिखा जा सकता है, नोट करो। इसका मतलब ये बन चुका है दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू c log y प्लस s अपॉन c, एक रिलेशन। हेडिंग कौन सी पड़ी थी, हेडिंग बताओ, हेडिंग x और साई के बीच में, तो सुनो ये जो यहां तक आया है ये है रिलेशन बिटवीन x एंड साई, इतने पर रोक देना, लेकिन ये स्पैन देगा तब जब आपसे पूछा जाएगा किसके लॉग के फॉर्म में और एंगल साई दिया रहेगा, लेकिन जब आपको एंगल साई नहीं दिया रहेगा और तब स्पैन मांगेगा तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, ये एक्स इज इक्वल टू वाई है, दो हिस्से है ना, कभी कभी जब स्पैन मांगेगा तो एंगल दे दिया तब स्पैन मांग लिया, कभी एंगल नहीं दिया, जब एंगल नहीं देगा तो आप इसका इस्तेमाल कर लेना जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी। तो एक तो ये है, ये आपका मेन रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड साई,
इसको कह सकते हो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, या कह सकते हो रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एस कह सकते हो, ये तीनों हो गया, इसे इक्वेशन नंबर तीन कह देना। इसकी जरूरत हमको खाली एक बार पड़ेगी एक न्यूमेरिकल में, बाकी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत हमको तीन से चार न्यूमेरिकल में पड़ेगी। और क्यों निकाला गया है अभी वो बताते हैं। इक्वेशन नंबर तीन उसे कह दो, लाइन चेंज करके रिमार्क लगाना, रिमार्क एक रिमार्क लगाओ, सब लोग बताते हैं। ये बताओ इंटरमीडिएट में एक चीज देखे होंगे, पैराबोला का इक्वेशन ना, तो नहीं वो वाला नहीं, दूसरा वाला पैराबोला का इक्वेशन, एक तो नॉर्मली दिया जाता है वाई स्क्वायर बराबर फोर ए। इसके अलावा एक ऐसा लिखा जाता था जिसमें एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी, वाई इज द फंक्शन ऑफ टी लिखा जाता था। अरे वो 80 स्क्वायर समथिंग करके 280 स्क्वायर कुछ याद आ रहा है, अब याद नहीं दिलाएंगे, बस इतना याद रखो एक x बराबर फंक्शन ऑफ t और एक y बराबर फंक्शन ऑफ t, दोनों साइड बाय साइड लिखे जाते थे और कहते थे दिस रिप्रेजेंट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। याद आया, सेम कंडीशन, मेरे पास साई जो एंगल है ये पैरामीटर का काम करेगा, तो मेरे पास एक्स में भी x और साई का भी एक रिलेशन है, गौर करो x और साई का एक रिलेशन है, और मेरे पास y और साई का एक रिलेशन है, y बराबर c sec साई और x इज इक्वल टू c log sec साई प्लस tan साई। अगर गौर करो तो y इज द फंक्शन ऑफ साई, हाँ या ना, आप एंगल साई बदलोगे तो y भी चेंज होगा कि नहीं, तो y इज द फंक्शन ऑफ साई एंड x इज आल्सो द फंक्शन ऑफ साई। जिस दिन ये दोनों इक्वेशन एक साथ लिखे जाएंगे उस दिन ये कैटनरी का पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। लिखना y इज इक्वल टू c sec साई, रिमार्क में y इज इक्वल टू c sec साई, लिखो लिखो रिमार्क में y इज इक्वल टू c sec साई, इस तरीके से ऐसे लिखना y इज इक्वल टू c sec साई और इसके जस्ट नीचे x इज इक्वल टू c log sec साई प्लस tan साई, इसके जस्ट नीचे लिखना और इस तरह से बनाना टूगेदर, साथ साथ टूगेदर रिप्रेजेंट या टूगेदर रिप्रेजेंट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, पैरामीट्रिक प्राचल समीकरण, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी ऐसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू c sec i एंड x इज इक्वल टू c log sec i प्लस tan i टूगेदर। जब ये दोनों इक्वेशन साथ साथ लिखे जाएंगे तो ये कैटनरी के किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब सोचो कैटनरी के हमारे पास तीन फॉर्म हो चुके हैं, पहला फॉर्म हम लोगों ने इंट्रेंसिक का लिखा यस बराबर सी टेन साई, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने कार्टेशियन का लिखा वाई बराबर सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉमन सी, वो कार्टेशियन है, और तीसरा ये अपने पास कौन है पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक हमेशा एंगल साई के फॉर्म में दिया जाता है और ये आपका हो गया वाई इज इक्वल टू सी सेक्स आई और एक्स इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेन साई। नोट करो यही हमको चेक करना मेरी याददाश्त सही है कि नहीं। सही है, मेरी याददाश्त सही चलाना। नोट कर लो फिर आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन टेंशन गैप कर दी, रिलेशन बिटवीन टेंशन कैपिटल टी, टेंशन लिख दे पूरा, टेंशन कैपिटल टी एंड ऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट वाई। अगला रिलेशन टेंशन कैपिटल टी और ऑर्डिनेट वाई के बीच का है। भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ गए आप भी, थर्ड ईयर होगी ना, थर्ड ईयर कितना होगा, आठ आठ सोलह, चलो शुरुआत करते हैं। अब याद रखना किसके किसके बीच रिलेशन चाहिए, टेंशन कैपिटल टी के बीच में जो कि टेंजेंशियल टेंशन है,
ठीक, सोचो वर्टेक्स पर मौजूद टेंशन कौन है, T0, मुझको उसका नहीं चाहिए, मुझको चाहिए टेंजेंशियल टेंशन कैपिटल T जो आपका है उसके और ऑर्डिनेट Y के बीच का रिलेशन। शुरुआत करते हैं जो मेरे पास मौजूद है, मेरे पास एक रिलेशन मौजूद है T0 बराबर T cos phi, यूज करो उसका, देखना सेंस T cos phi इज इक्वल टू T0, सिंस T cos phi इज इक्वल टू T0, लेकिन T0 बराबर हम कुछ मान चुके थे पहले ही W into C, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट T cos phi इज इक्वल टू W into C, ये स्मॉल W है, नाम दे देना इक्वेशन नंबर वन, और यहां चाहे तो लिख देना एस बी टेक, जैसे कि हम ले ही चुके हैं एस बी टेक T0 इज इक्वल टू W into C। T के और Y के बीच में चाहिए ना, तो Y बराबर C sec xi अपने पास मौजूद है, Y बराबर C sec xi यूज करो, आल्सो Y इज इक्वल टू C sec xi, आल्सो Y इज इक्वल टू C sec xi, नाम दो इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। क्या यहां से cos xi निकल सकता है, cos psi बोलो कितना होगा, this implies that cos psi is equal to, इनको नीचे ले जाओ इनको इधर, this is equal to c upon y, और इसे उठा करके इक्वेशन नंबर वन में इस्तेमाल कर लो, यूजिंग इट इन इक्वेशन वन, यूजिंग इट इन इक्वेशन वन, ये अपने पास बन जाएगा t इंटू c अपॉन y इज इक्वल टू w इंटू c, क्या c से c कैंसिल आउट हो गया, यानी दिस इंप्लाइज दैट t बराबर w इंटू y, दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड t, t बराबर w इंटू y, नोट कर लो। अगला है ये लिख लो, तब पहले ये आराम से लिखे, सब लोग लिख चुके, अगली घड़ी का देना रिलेशन बिटवीन रो एंड साइन, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, रिलेशन बिटवीन रो एंड साइन, रिलेशन बिटवीन रो एंड साई, जो जानते हो फिर उन्हीं रिलेशन का इस्तेमाल होगा, लिखना S इज, सिंस S इज इक्वल टू C tan साई, सिंस S इज इक्वल टू C tan साई, दिस इंप्लाइज दैट, एक काम करो पूरे को इधर गौर करना, अपने को रो को इन्वॉल्व कराना है, अगर किसी को बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस सही सलामत याद है, यहां तक हम लोग पहुंचे थे नहीं पहुंचे थे, पहुंचे थे, कर्वेचर चल रहा था ना, जब कोरोना आया तो कर्वेचर चल रहा था कि पार हो गया था, नहीं चल ही रहा था, चल ही रहा था पार नहीं हुआ था ना, तो याद करो वहां पर रो की, रो के लिए फार्मूला क्या होता था, बोलो बोलो डीएस ds upon d psi, याद आया, सही बोल, नहीं याद आया, जाओ यार बेइज्जती खराब कर दे तो, ये बताओ रो बराबर ds d psi होता है, इधर सुनो जिनको नहीं याद आया ना वैसे आप कहीं कॉर्नर पर नोट करेंगे, अभी नोट करा दे रहे हैं, रो इज इक्वल टू ds d psi होता है, और सोचो मुझको रिलेशन निकालना है रो के और किसके बीच में, साई के, तो ds d साई कहीं ना कहीं पर यूज आएगा, इस पहले वाले इक्वेशन को साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लिखना डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू साई, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू साई, इसे साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यह बनेगा ds d साई इज इक्वल टू c sec स्क्वायर साई,
sec square psi. Since rho is equal to ds d psi. Since rho is equal to ds d psi. This implies that. Yes, so value rakho. Rho is equal to kitna? C sec square psi. Therefore, rho is equal to C sec square psi. और लिखकर क्या सीख कर देना, रो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो के लिए दिक्कत ना कि बोल देना रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. आखिरी रिलेशन, इसके बाद हम लोग तुरंत आ जा रहे हैं चैप्टर के नंबर 3. किताब स्टैटिक्स की एनपी वाले की भी अच्छी है, लेकिन एनपी वाले की स्टैटिक्स में ग्रेजुएशन के हिस्से में केवल 3 चैप्टर बस, बाकी वो स्टैटिक्स की थी ना जो उधर पहले इंटर में चला करती थी. हालांकि वो जो पढ़े रहते थे उनको ये पढ़ने बड़ी आसानी होती थी. जितना इधर वर्चुअल वर्चुअल वर्क कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हिस्सा जो इधर ग्रेजुएशन में रखा गया है ये उधर इंटर में पहले इसका आधा ही नहीं पड़ जाता था. तब हम लोग जब 6 किताबें चलती थी, हम लोग जब पढ़े थे तब की बात बता रहे हैं. अब तो हटा ही दिया गया, पूरा स्टडी सही नहीं है, अब सब यही ग्रेजुएशन में आता है. हो गया सबका. अगली हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन रो एंड वाई. 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 लिखो फटाफट. S is equal to C tan psi. S is equal to C tan psi. This implies that ds d psi is equal to C sec square psi. और सबको पता है इसकी वैल्यू क्या है. रो इज इक्वल टू C. आपको रिलेशन चाहिए, सब लोग इधर देखो, रिलेशन चाहिए रो के और किसके बीच में, वाई. साई नहीं चाहिए. आओ साई को ऐसा रिप्लेस करें कि वो वाई की जगह पर आ जाए या उसकी जगह वाई आ जाए, कहीं पर होगा वाई बराबर सी सेक साई. तो यहां से अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह पर रख देते हैं वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यानी दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू, सॉरी वाई कह रहे हैं, रो इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन सी. This is the relation between radius of curvature rho and ordinate y. और simplified form में लिखना चाहो, हालांकि कोई मतलब नहीं. This implies that C rho is equal to y square. कुछ C rho is equal to y square. तुरंत शुरुआत करते हैं लोग numerical की, exercise की शुरुआत. इतना पूरा पहले लिख लो, तब फिर आगे बढ़ते हैं. चलो इधर आओ वापस. आपने सब फर्स्ट ईयर से अभी तक एक छुट्टी भी नहीं मारे थे, लेकिन एक छुट्टी मारे हैं. और ऐसा कहा जा रहा है 14 फरवरी को ना, ऐसा कहा जा रहा है ना 1940 में. अरे हम ना हम अल्लू अर्जुन नहीं है कि टंगरी हिलाते हुए शिवल्ली शिवल्ली गाते फिरे ना. हाँ, गणित वाले की शिवल्ली वैसे नहीं होती है. आई बात समझ में. अल्लू अर्जुन तो नहीं, लेकिन अल्लू जरूर है. तो हाँ, 12 फीट रो, 12 फीट रो इज सस्पेंडेड, इज सस्पेंडेड. 12 feet rope is suspended between two points. Between two points,
सुनो, न्यूमेरिकल केवल लिखते जाओ, जब पूरा न्यूमेरिकल लिख लेंगे फिर हम न्यूमेरिकल को समझाएंगे, न्यूमेरिकल को टुकड़े में तोड़ करके इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है फिर वो बताएंगे, लेकिन पहले पूरा न्यूमेरिकल नोट कर लो। 12 फीट रोप इज सस्पेंडेड बिटवीन टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल, टू पॉइंट्स एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल एंड द लोवेस्ट पॉइंट, एंड द लोवेस्ट पॉइंट, एंड द लोवेस्ट पॉइंट इज बी फीट बिलो, इज बी फीट बिलो, इज बी फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फुल स्टॉप, शो दैट, शो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, शो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज, ऑफ द टेंशन is w into l square minus b square upon 2b, w being weight of the rope per foot, हाँ, अरे ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, अभी और बड़ा बड़ा होगा, पर फुट ऑफ इट्स लेंथ, कह रही है इतना बड़ा क्वेश्चन है, इट्स लेंथ क्या है, काम तेज है, नहीं नहीं ऐसे कैसे भूल जाते हैं, अभी देखना अभी इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ये सबसे छोटा न्यूमेरिकल है, ऐसा भी न्यूमेरिकल है ना, ऐसा भी न्यूमेरिकल है, मेरा बोर्ड यहाँ से चलेगा वहां तक न्यूमेरिकल भरा रहेगा, बाद में मिटा के तब हम लिखेंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, अपने को घबराना बिल्कुल नहीं है, पहले पूरा लिख लो फिर हम समझाते हैं कैसे क्या होगा, जब तक वीडियो रोक दिया जाए। सुनो इधर बात सुनो, न्यूमेरिकल को देखना और न्यूमेरिकल को छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ना, पहले तो ना स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल और डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल को पढ़ना सीखो, डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल लेंदी वो भी होंगे लेकिन इतने नहीं जितने स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल बड़े भारी भरकम लिखे जाएंगे, तो उनको ना छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ो, पोस्टमार्टम करने जैसा हाल होता है, न्यूमेरिकल अपने बारे में एक बड़ी इंफॉर्मेशन दे देता है, न्यूमेरिकल खुद बताता है कि आपको किस किस रास्ते से गुजरना होगा, कौन कौन सा अजम्पशंस मानना पड़ेगा, क्या आपको वैल्यू चाहिए, उस वैल्यू को लाने के लिए आपको किसका बाईपार्ट यूज करना पड़ेगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से निकलेगी, लेकिन तब जब इसका इसे बड़बड़ बड़बड़ नहीं पढ़ना, छोटे छोटे टुकड़े में, कई लोग इसको फ्लैट पढ़ करके निपटा देते हैं, 2L फीट रोप इज सस्पेंडेड बिटवीन द टू पॉइंट एट द सेम लेवल एंड एट द लोवेस्ट पॉइंट इज बी, कुछ नहीं टुकड़े में तोड़ो, 2L फीट रोप, सबसे पहले एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है, 2L फीट है, ये बताओ अगर पूरे रस्सी की लंबाई 2L है तो आधी रस्सी की लंबाई कितनी होगी, L होगी, तो इसका अब आगे एक बात सुना, इस सस्पेंडेड इसको लटकाया जाता है कहां से, बिटवीन द टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच में लटकाया जाता है एट द सेम लेवल, और दोनों पॉइंट कहां है, सेम लेवल पर है, इसका मतलब सेम लेवल का मतलब ये ऐसे नहीं हो सकते, ये अलग अलग, इसका लेवल नीचा है इसका लेवल ऊपर, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर मौजूद हैं, ये इस तरीके से, और ये जो रस्सी लटकी हुई है, हालांकि ये रस्सी नहीं है लेकिन फिर भी इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 2L, अगर इस रस्सी की लंबाई 2L है तो सोचो अगर हम यहीं से ऐसे वाई एक्सिस बना दें तो आधा हिस्सा ए से लेके वर्टेक्स सी तक का हिस्सा कितना है, एल, और इधर का हिस्सा ये भी एल रहेगा, अब सुनना, 2L फीट रोप इज सस्पेंडेड, 2L फीट की एक रस्सी को लटकाया जाता है बिटवीन द टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच में एट द सेम लेवल, और दोनों ही पॉइंट कहां मौजूद है, सेम लेवल पर मौजूद है, एंड और इसके बाद द लोवेस्ट पॉइंट इज द बी फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अब सुनना धीमे से, मतलब सी नहीं वाई माइनस सी, ये गौर करना, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ए एक खूंटी है, बी दूसरी खूंटी है, दोनों एक ही लेवल पर मौजूद है, यहां से एक रस्सी को लटकाया जाता है
और जब रस्सी को लटकाते हैं तो पूरी रस्सी की लंबाई कितनी है 2L, तो इतना हिस्सा क्या हुआ L, और ये हिस्सा कितना हुआ L. कह रहे हैं एंड द लोवेस्ट पॉइंट इज, और जो इसका सबसे निचला सिरा जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, द लोवेस्ट पॉइंट इज बी फीट बिलो, या बी फीट नीचे. अगर इसको कहना होता ना ये नीचे से सी दिया होता ना, तो कहता बी फीट अबव, लेकिन आज कह रहा है बी फीट बिलो. कहां से? बी फीट बिलो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है ना, तो यहां से ये कितना नीचे है, ये दूरी कितनी है b है. इसका मतलब इसके पैरेलल ही तो ये है, जो sag y माइनस सी होगा वो कितना दिया गया है, y माइनस सी इज इक्वल टू रिलेशन ऐसे ही निकल रहे, अपने आप पता चल गया y माइनस सी इज इक्वल टू b है, तो जिस दिन उसको c की जरूरत होगी c होगा b प्लस y. बाद में देखा जाएगा y कौन है, कौन सा, अच्छा c इज इक्वल टू, हाँ हम ही उल्टा लिख रहे हैं, c इज इक्वल टू y माइनस. अब आगे सुनना, द लोवेस्ट पॉइंट इज द बी फीट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. अब आगे जो कह रहे हैं उसको सुनो. शो दैट, आप ये दिखाइए द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन इज, टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होना चाहिए, W इंटू एल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू बी, अपॉन टू बी, डब्ल्यू बींग द वेट ऑफ द रोप पर फुट ऑफ इट्स लेंथ. ये तो वेट पर यूनिट लेंथ है, इसका तो हम कुछ नहीं, इसका तो पहले से ही जान रहे हैं क्या है. हमको केवल और केवल एक बात कहनी है कि जो मेरा टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आना चाहिए, डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू बी. न्यूमेरिकल पल्ले पड़ा, क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल. दो पॉइंट के बीच में एक 12 फीट की रस्सी को लटका दिया जाता है, और जहां लटकाया गया है उससे जो गहरान आ रहा है, जो सैग आ रहा है, वो कितना है, बी फीट है. मुझको केवल और केवल हॉरिजॉन्टल टेंशन, या कह सकते हो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको कैलकुलेट करना है, और वो आना चाहिए डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू. चलो शुरुआत करते हैं लगाने की. सबको पता है ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, टेंशन के हॉरिजॉन्टल हिस्से की, हॉरिजॉन्टल हिस्सा ये रहा. अगर तुम कहते हो इधर वाला ना टी कॉस साइन ना, यही नजर आया टी कॉस साइन, लेकिन मुझको पता है इक्विलिब्रियम की दुनिया में यही तो कौन होता है, टी जीरो होता है, क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन टी जीरो इज इक्वल टू टी कॉस साइन. तो अगर आपको टी कॉस साइन निकालना है तो वास्तविकता में आप क्या निकाल लो, टी जीरो निकाल लो, बात तो एक ही होगी. और टी जीरो के लिए हम अभी अभी एक रिलेशन बोल चुके हैं, टी जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी. W आपको दिया गया ऑलरेडी, W बीइंग द वेट पर ही, मतलब W के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी. हमको केवल और केवल क्या निकालना है, अगर मुझको C मिल गया तो मेरा सारा काम हो चुका है, क्योंकि देखो W इज इक्वल टू दिस, तो C बराबर कितना आना चाहिए, एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू बी, यही आना चाहिए. क्लियर है, चले शुरुआत करें. फिगर उगर बनाना चाहो तो एक छोटा सा फिगर बना सकते हैं. फिगर हम बना दे रहे हैं ऐसे ही. फिगर सब लोग बना लो ना, मन हो तब भी, ना मन हो तब भी हाँ ये बनाओ. एग्जाम टाइम जब यही कॉपी उठा पढ़ोगे ना तो तुमको पता नहीं चलेगा, विजुअलाइज नहीं होगा. अभी तो चलो हम खड़े हैं बता रहे हैं, तब हम नहीं रहेंगे, हमको एग्जाम टाइम में मत खोजना. ये ए है, ये बी है, नहीं तब हम मिलेंगे नहीं ना, तब मिलेंगे नहीं तो तुम लोग यही फिर ना केक की तरह गाना गाओगे, तुझे सोचता हूँ. ये कौन है बी, ये कितना है एल, ये कितना है एल, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट हो गया कैपिटल सी, और ये अपना है टी जीरो, और इधर का हिस्सा ये मेरा होता है टी इज इक्वल टू कितना, नहीं टी कॉस साइन, टी कॉस साइन लास्ट ईयर सामने कितना, ये जो ऊंचाई होती थी तो स्मॉल सी माना जाता था, ये आपका है वाई माइनस सी. हम लिख दे रहे हैं यहीं पर वाई माइनस सी बराबर कितना दिया गया है बी.
और इसके ऊपर टिक करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में खूब पूछा जाता है, जम करके हाँ, इस पे तुरंत इसमें ना बिल्कुल लापरवाही मत करना, जो न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर तुरंत टिक करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ और देखो 20 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, तुमको हम 20 के 20 लगवा देंगे, लेकिन तुम 20 के 20 एग्जाम टाइम में पढ़ो ना पढ़ो उसका नहीं मतलब है, लेकिन जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे ना उनको जरूर पढ़ करके जाना, क्योंकि स्टैटिक्स में सबसे बड़ा फायदा यह है ना क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और मान करके चलो ना 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, 20% का खाली इधर होता है जब कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ग्रेजुएशन में वो भी नहीं यार, ग्रेजुएशन में तो कभी कभी तो ये भी होता है ना 5 साल का पेपर सॉल्व कर लो उसी में से आपको मिल जाता है। क्या हम न्यूमेरिकल मिटा दें? चल सॉल्यूशन में लिखना, क्या लिखना, लेट कैपिटल ए सॉल्यूशन, लेट कैपिटल ए बी द पॉइंट ऑन कैटनरी, लेट कैपिटल ए एंड बी लेट कैपिटल ए एंड बी द सस्पेंशन पॉइंट, सस्पेंशन पॉइंट माना कैपिटल ए और कैपिटल बी सस्पेंशन पॉइंट है, मतलब वो पॉइंट है जहां से रस्सी को लटकाया गया है, और ऑब्वियस सी बात है मुझको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है एंड दे आर एट द सेम लेवल, ये लिखने की जरूरत नहीं, एक तो हम फिगर बना दिए हैं सेम लेवल पर, और दूसरा न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दिया गया है, अगर आप सस्पेंशन पॉइंट मान रहे हो तो सस्पेंशन पॉइंट सेम लेवल पर ही आपको लेना है, ये न्यूमेरिकल में दिया गया है, तो हमको एट द सेम लेवल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी द सस्पेंशन पॉइंट्स, लेट एसी इज इक्वल टू स्मॉल एस, माना ये जो ए सी है जिसको हम नॉर्मली स्मॉल एस मानते आए हैं, लेकिन चूंकि रस्सी की लंबाई कितनी है 2L है, तो ए सी उसका आधा होगा, कितना L रहेगा, लेट ए सी इज इक्वल टू स्मॉल एस, तब तो दिस इंप्लाइज दैट या लेट क्लियरली लेट तब ना जब अपने कुछ अपने मन से मान रहे हो कुछ नहीं, क्लियरली ए सी इज इक्वल टू स्मॉल एस इज इक्वल टू L, फिगर में पता है सैग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं y माइनस सी से, तो y माइनस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है b दिया गया है, अगर y माइनस सी इज इक्वल टू b है तो y बराबर क्या b प्लस सी होगा कि नहीं होगा, लिखना सैग y माइनस सी इज इक्वल टू b इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू b प्लस सी, y इज इक्वल टू b प्लस अच्छा एक तो ये हो गया, एक तुम्हारे पास ऑलरेडी y और s के बीच में एक रिलेशन पहले से पड़ा हुआ है, y और s के बीच में याद है y स्क्वायर बराबर s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आल्सो भी है, आल्सो भी है y स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट ये रिलेशन ऑलरेडी पड़ा है और y बराबर b प्लस c मुझको मिला हुआ है, तो अगर हम y की ऊपर वाली वैल्यू यहां इस्तेमाल करें तो क्या b प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो हम यूज करें अगर तो ऐसे लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हाँ या ना, कोई अलग बात तो की नहीं, एक्चुअली मुझको ना c की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझको पता है टी जीरो निकालना और टी जीरो बराबर डब्ल्यू इंटू सी होता है, तो हम सारा काम केवल और केवल सी की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, इसलिए मुझको एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें केवल सी अननोन रहे बाकी सारे लोग नोन हो जाएं, और ये बताओ बी फीट सस्पेंडेड बिलो द बी फीट ये दिया गया है तो ये आपको गिवन है, एल लंबाई आपको दी गई है तो ये नोन क्वांटिटी है, ये भी नोन क्वांटिटी है, तो सी कौन है अननोन, अब निकल आएगा सी, देखना यहां से अपने को मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस कितना c स्क्वायर, और क्या c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 2bc को रोक लो 2bc इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट c बराबर
एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना 2b, क्या c मिल चुका है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t0 बराबर therefore हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज इक्वल टू t cos sin एंड दिस इज इक्वल टू t0 बराबर w into c, दिस इज इक्वल टू w into c की वैल्यू रख दो, l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन कितना 2b, क्या यही निकालना था? आंसर आ चुका है। 7 नंबर में ये क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा, हम लोगों के टाइम में 5 नंबर में हुआ करता था। हाँ तुमको इतना लग रहा है, जिसको नहीं आता उससे पूछो, दहाड़े मार के रोता है कैसे निकला। हाँ सही है, होता है ऐसा ही है ना, एग्जाम में दिखता है ना, तो मतलब उंगलियां चटकाएंगे, चार बार चार मग्गा पानी पी डालेंगे पूरा पढ़ने तो, जब तक पेपर दे रहा तब तक चार मग्गा पानी पे सर जी प्यास लगी हुई है, पानी पीने जा रहे हैं। कहा नहीं जाने देंगे बच्चे का गटई सुबह करके वहीं पर बेहोशी लाएंगे, पता चलेगा चल रहे हाथ पैर हैंड्स दिए तो और बवाल है। कोई चीज अगर आ रही है ना तो वो आसान लगती है, नहीं आ रही है तो बात एकदम कठिन है, नहीं आ रही है ना तो खाली किसी से ये पूछ लो साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, नहीं आ रही है बेचारा नहीं बता पाएगा। जैसे हम ही है, हमसे कोहनी का अंग्रेजी पूछो हम नहीं बता पाए, नी तो घुटना होता है, नी तो घुटना कोहनी होता है, कोहनी का एल्बो, एल्बो क्या होता है घुटना, तब बताओ हमको नहीं आता, कोहनी को एल्बो बोलते हैं और नी मतलब घुटना, हमको नी मतलब घुटना, नी मतलब घुटना होता होगा नी इतनी अंग्रेजी आती है जो कभी खत्म हो सकती है, ये छोटा रिचार्ज होता है। अच्छा हमको नी मतलब घुटना इसलिए याद है, नी मतलब घुटना इसलिए याद है क्योंकि एक होता है फिजिक्स में नी वोल्टेज, पता नी वोल्टेज होता है ना, उसको जब हम पढ़ रहे थे तो उसी वक्त हम इसको याद किए थे, घुटना जैसे मुड़ता है ना वैसे नी वोल्टेज मुड़ता हुआ डाउनवर्ड या अपवर्ड जो भी उसका केस रहा हो उस समय ना, शायद नी वोल्टेज जहां से वो मुड़ता है ना वहीं से एवलांस ब्रेक डाउन आता है ना थोड़ा बहुत। चलो ये लिख लो तो आगे बढ़ा जाए, लिखो यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ एल, सुनो एक बार फिर से न्यूमेरिकल पूरा लिख रहे हैं ठीक, पहले पूरा न्यूमेरिकल लिखो फिर न्यूमेरिकल को तोड़ करके इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज टू बी सस्पेंडेड is to be suspended from capital A and capital B in the same horizontal line so that either terminal tension is n times that at the lowest point show that span AB is equal to L upon
अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग एन प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। याद करो अभी जब रिलेशन बिटवीन x एंड साई निकाल रहे थे, रिलेशन बिटवीन x एंड साई, तो तुम्हारा वाला बताया रोक दिए टेन में निकल रहा था, नहीं निकाले और हम लोग log sec psi plus tan psi, याद है x बराबर c log sec psi plus tan psi, इसीलिए वो निकाला जाता है क्योंकि देखो क्या मांगा है span, और किसमें मांगा है log में, और देखो अंदर में दो लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, एक जगह पर sec psi का हिस्सा रहा होगा, एक जगह पर tan psi का, ये इन्हीं को देख करके उस रिलेशन की हमको जरूरत पड़ती है, ये देख करके फील आता है उसकी जरूरत है। अब पहले पूरा नोट कर लो तब समझाते हैं न्यूमेरिकल क्या क्या करना चाहते हैं। पूरा लिख लेना तो बताना। हम पहले तीन चैप्टर इसके निपटाएंगे, पहले बता रहे तीन चैप्टर में इसके निपटाएंगे, स्टेबल अनस्टेबल वर्चुअल वर्क कैटनरी, तीन निपटाने के बाद हम पहले डायनेमिक्स उठाएंगे फिर, ठीक है, मजबूरी हमको डायनेमिक्स उठाना, हम पहले पूरा स्टैटिक्स खत्म करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह का जो हिस्सा बचा रहता और स्टूडेंट रेंचेस वो खत्म करते हैं। लेकिन पता है स्टूडेंट रेंचेस पे अगर हम मेहनत करेंगे बिना, बहुत कम लोग हैं जो स्टूडेंट रेंचेस का हिस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है, हम उसको देख करके उसको नहीं जा रहे हैं ना, मेन बात ऑपरेशन की है, ऑपरेशन लेना लेना है, मार्च में तय है लेना लेना है, ठीक, डॉक्टर बोले हैं कि एक महीना कुछ नहीं कर सकते हो, एक महीना तुमको करना पड़ेगा, तो हम डॉक्टर सुप्रीत कहने से मानेंगे नहीं, काम तो हम अपना कर पे करेंगे ना, हम बाहर निकले भैया हमारे बहुत प्रेशराइज किए कि नहीं अब कोचिंग तुमको छोड़नी पड़ेगी, हम कहना छोड़ो ऑपरेशन करवाएं वो मेरी जिम्मेदारी है, क्लास चलेगी वो भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक, कौन सा, अरे यार सुनो हम ना तीन साल पहले मार्केट छोड़ चुके थे, तब हम एक ब्रांड हुआ करते थे ना, क्योंकि मेरे अंदर दम है, तब हम एक ब्रांड हुआ करते थे, हम तीन साल के बाद जीरो से शुरुआत किए, जब हम तीन साल के बाद जीरो से शुरुआत किए तब हम वापस उसी पागलपन के साथ फिर आगे बढ़ रहे, अब हम फिर बंद करके हर बार जीरो से शुरुआत नहीं कर सकते, कितना दिन, एक महीना, एक महीना वो बोले हैं, एक महीने का मतलब समझ रहे हो, हम इंतजार कर सकते हैं, हमको कह रहे हैं लड़के लोग समझेंगे, लड़के समझेंगे ठीक है, तुम लोग समझोगे, यूनिवर्सिटी समझेगी, यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेकर के आएगी ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम आएगा, वो तो टल नहीं सकता है, तो एग्जाम तो मेरा ऑपरेशन देख करके आएगा, नहीं कि नहीं अनुभव ऑपरेशन जा रहे हैं, अब हम कुछ दिन आराम करके चलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, वो आएगा आएगा, उसके लिए हमको कोर्स कंप्लीट करना करना पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि नंबर इसी के आधार पर मिला, पहले साल प्रमोट ही हुए हो वो वैसे ही बर्बाद हुआ है, तो कुल मिलाकर के मान करके चलो हम मैक्सिमम 5 से 6 दिन की ही छुट्टी देंगे, मैक्सिमम 5 से 6 दिन की, सातवें दिन एक मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर क्लास तो रन करेगी करेगी, इसीलिए ऑपरेशन में जाने से पहले हम पहले उतना हिस्सा निपटा दे, जैसे हम लोग लीनियर अलजेब्रा में एकदम सेफ जोन में खड़े, वैसे यहां पर सेफ जोन में खड़े ना, तीन चैप्टर इसके निपटाने के बाद सीधे डायनेमिक्स में आएंगे, क्योंकि डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल आसान होते हैं, और ये वो मिला करके एक बार ये हो जाए कि आपका पूरा पेपर कवर हो गया, बाकी के फिर ग्रेविटी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, उसके बाद फिर ये आपका स्टूडेंट रेंचेस हो गया, ये सब निपटा लिए जाएंगे, इसकी दिक्कत फिर नहीं है, लेकिन पहले वो जो सब कर सके, क्योंकि स्टूडेंट रेंचेस एक ऐसा चैप्टर है ना, इस पूरी क्लास में बता रहे हैं, स्टूडेंट रेंचेस में हाल ये होता है, पूरी क्लास में जब हम बीएससी सेकंड ईयर 170 पढ़ाते थे ना, और कॉलेज में इसको पढ़ाते थे, कॉलेज में तो 480-450 इसके आसपास भीड़ चलती थी, उसमें स्टूडेंट रेंचेस में कंडीशन ये बनती थी कि स्टूडेंट रेंचेस में पूरा सोचो 430-480 की भीड़ में से जब पूछते थे लास्ट में कि ये बताओ कौन कौन स्टूडेंट रेंचेस का न्यूमेरिकल किया हुआ है, तो जानते हो कितने हाथ उठते थे, 6 हाथ, कितने की भीड़ में से 6 हाथ, कमांड नहीं आता लोगों को ना, वो सोचते हैं नहीं ये टफ है तो आसान वाला, अथवा में डायनेमिक्स दिख जाता है, डायनेमिक्स में वही केपलर्स लॉ वगैरह के नियम होते हैं, रॉकेट मोशन का ऊपर होता है लगा करके छुट्टी पर, सही भी जहां पर आपका कमांड नहीं है वहां खेलने से अच्छा है वहां खेलो जहां आपका कमांड है, कम से कम गलत करने से तो अच्छा है कि आप सही सलामत करो ना, कौन सा अपने को नवाबतुल्ला खानी थोड़े ना बनना है कि नहीं कुछ नहीं हम यही अटेंड करेंगे, नहीं लगेगा उसी कमरे में बैठे रहेंगे, ये थोड़े करना है, सुनो वापस आना, कह रहे हैं यूनिफॉर्म चेंज, शब्दों पर ख्याल रखना,
यूनिफॉर्म चेन मतलब जो आपको चेन दी गई है उस चेन में कोई गांठ वांठ नहीं है। यूनिफॉर्म चेन की डेफिनेशन शुरुआत में फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जहां पर लिखा रहता वहीं पर बता देते यूनिफॉर्म ना हर जगह पर वेट पर यूनिट लेंथ उसका कैसा रहना चाहिए कांस्टेंट रहना चाहिए। करें एक यूनिफॉर्म चेन है एक समान चेन है जिसकी लंबाई कितनी है एल है इज टू बी सस्पेंडेड उसको लटकाया जाता है फ्रॉम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। पॉइंट ए और बी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में मौजूद है और पॉइंट ए और बी से बांध करके एल लंबाई की एक डोरी को लटका दिया जाता है। तो फिर से वही फिगर में यहां पर बना रहे हैं ये पॉइंट हो गया कैपिटल ए ये पॉइंट हो गया कैपिटल बी दोनों एक ही लेवल पर मौजूद है और यहां से बांध करके एक डोरी को लटका दिया जाता है। डोरी की लंबाई कितनी दी गई है एल। अगर डोरी की लंबाई एल है पिछली बार टू एल थी तो सोचो ये हिस्सा कितना होगा एल बाई टू और ये कितना होगा एल बाई ये इतना होगा। फिर आगे कह रहे हैं सो दैट इस प्रकार लटकाया जाता है जब आप डोरी को लटका रहे हो तो डोरी को लटकाने के दौरान इस तरीके से वर्क किया गया है या इस तरीके से ये सेटअप दिया गया है सो दैट आइदर टर्मिनल टेंशन इज द एंड टाइम्स दैट एट द लोवेस्ट पॉइंट। टर्मिनल टेंशन यहां किनारे पर जो टेंशन मौजूद होगा जो कि हॉरिजॉन्टली काम करना है यहां पर जो टर्मिनल टेंशन काम कर रहा है कैपिटल टी वो वर्टेक्स पर मौजूद यानी लोवेस्ट पॉइंट पर मौजूद टेंशन टी जीरो का कई गुना है एन टाइम्स है। लिख रहे हैं इस तरीके से लटकाया गया है टर्मिनल टेंशन इज द एन टाइम्स टर्मिनल टेंशन एन गुना होता है दैट एट द लोवेस्ट पॉइंट उस टेंशन का एन गुना होता है जो टेंशन कहां काम कर रहा है लोवेस्ट पॉइंट पर और मुझको पता है लोवेस्ट पॉइंट कैपिटल सी पर काम करने वाला टेंशन कौन है टी जीरो तो इसका एन टाइम्स वहां काम कर रहा है मतलब टी इज इक्वल टू एन इन टू टी ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब आगे काम करना शो दैट स्पाइन ए बी आप दिखाइए ये निकालना है स्पाइन ए बी स्पाइन ए बी का मतलब मुझको क्या निकालना है 2x निकालना है 2x बराबर लाना है l अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग ब्रैकेट में n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन। क्या सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हुई जो जो दिया गया है वो पता चला आपको s दिया गया है ध्यान देना s इज इक्वल टू L by 2 S कौन होता था ये इधर के पोर्शन की लंबाई L by 2 आपको S दिया गया है। इस बार आपको क्या सैग दिया गया है फिलहाल मुझको सैग नहीं दिया गया है अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे कैसे निकलता है नहीं जरूरत पड़ेगी सैग निकालने कोई काम नहीं है। हाँ मुझको जो स्पैन निकालना है उसके लिए मेरे पास रिलेशन होता है x is equal to c log sec psi plus कितना tan psi tan psi और sec psi ये दो वैल्यू हमको चाहिए और एक हमको बाहर का c चाहिए और उसके बाद हम लोग जब x एक बार मिल जाएगा तो बाद में दो से मल्टीप्लाई करके इसको कितना कर लेंगे 2x and that 2x is known as the span of the catenary। क्लियर है चले शुरुआत करें फिगर बनाना चाहो फिगर बना सकते हैं किससे उससे भी कर सकते हैं देख लेंगे उसका बोलो वो रिलेशन क्या था y is equal to x is equal to सॉरी x is equal to c log y प्लस एस अपॉन कितना c ठीक है जो जरूरत पड़ेगी जिसकी जरूरत पड़ेगी उससे निपटा लेंगे। इसीलिए दो रिलेशन लिखे गए मुझको जहां से दोनों में log इन्वॉल्व है जहां से मुझको आसानी होगी वहीं से निपटा दिया जाएगा। फार्मूला हमेशा वो इस्तेमाल किया जाता है ना जो आपको जल्दी आसानी से वैल्यू दे दे कभी कभी मुझको sec psi tan psi ये आसानी से मिल सकता है। न्यूमेरिकल नोट कर चुके हैं फिगर बना लो तो हम आगे बढ़े पहले फिगर बना लो सब लोग इस एंगल को साई कह देना ये एंगल आपका साई है बाकी सामने फिगर मौजूद है वो 2x is equal to l ये मत लिखना ठीक वो हमको निकालना है तो फिगर में ही मत बता देना नहीं तो लगेगा हमको पहले से पता था कई लोग बाद में सोच लेंगे आपको पहले से पता जो 2x is equal to लिख दिए हैं कई लोग सोचेंगे हमको पहले से पता था कुछ नहीं पता था न्यूमेरिकल में था निकालना है
जाएगा तो बताना। अच्छा क्या न्यूमेरिकल मिटा सकते हैं? ये तो लिखी चुके हैं। फिगर बन गया सबका, बना रहे बन गया, बन गया। चलो लिखने की शुरुआत। सुनो अपने लोग ना इतने समझदार हैं कि कुछ नहीं करेंगे लेट ए वो बी वो सी वो कुछ नहीं, सीधे लिख रहे हैं ए सी बी इज इक्वल टू एल, ए सी इज इक्वल टू एल बाई टू, बी सी इज इक्वल टू एल बाई टू। लिखना लेंथ ए सी बी, सोल्यूशन लेंथ ए सी बी इज इक्वल टू एल, जो स्ट्रिंग ए सी बी है उसकी लंबाई कितनी है एल है, और टेंजेंट कैपिटी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो कितना है साई है। लाइन चेंज करके इसी को लिखना, टेंजेंट कैपिटी में का एंगल, टेंजेंट कैपिटी मेक एंगल साई, ठीक, एंड इट इज गिवन बाय, एंड इट इज गिवन बाय, और ये जो टेंशन कैपिटल टी है, ये टेंशन कैपिटल टी आपको दिया गया है कि ये वर्टेक्स पर मौजूद टेंशन यानी लोएस्ट पॉइंट पर मौजूद टेंशन का कई गुना है n टाइम से। मतलब कैपिटल टी कैसा दिया जाएगा, टी इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू n इनटू टी जीरो। लेकिन अपने पास, सुनो अपने पास टेंशन कैपिटल टी और ऑर्डिनेट वाई के बीच में एक रिलेशन मौजूद है, टी बराबर डब्ल्यू वाई, याद आया, यूज करो उसका, लिखना बट टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, बट टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, ठीक, एंड टी जीरो भी हमारे पास मौजूद है, टी जीरो बराबर डब्ल्यू इंटू सी होता है, टी जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी, देयरफॉर इसलिए अगर हम इन तीनों को लेकर के काम करें, सुनो इधर इधर इधर, अगर हम तीनों को लेकर के काम करें तो बोलो T बराबर हम यहां पर रखते W by, सब लोग सामने देखो, पीछे वाले लोग इधर सामने देखो, T की जगह पर कितना रखते W by is equal to N into T0 की जगह पर कितना W C, तो क्या W से W कैंसिल आउट हुआ, this implies that Y is equal to N into C, नोट करो क्या होगी। और अगर उससे निकालना चाहो तो देखो y by c बराबर n है, आया ना, अगर हम उससे निकालें दोनों से बता रहे, दोनों से sec और उससे दोनों से बता रहे, अगर यहीं पर निपटारा करना चाहो यहीं पर, तो उस फार्मूले को जरा बोलो, वो फार्मूला था x is equal to c log y by c plus s by c, ये था, आया ना, अगर हम देखें तो हमको y by c पता है, this implies that y by c is equal to n, मिला कि नहीं, y by c is equal to, तो जो यहां से निपटाना चाहते हैं यहां से निपटा दें। मान लो एग्जाम हॉल में दिमाग अटक गया कि तुमको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद रहा है, तुमको sec sec बार बार याद आ रहा है, तो sec बार बार याद आ रहा है, तो y बराबर c tan sec, y का sec i के साथ कोई रिलेशन एक पता है, y is equal to c sec i मौजूद है, तो वहां से क्या sec i निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, वहां से भी अपना काम हो जाएगा, जिससे मन चाहे उससे कर सकते हो, और देखो एक तो ये कर रहे हैं, और अथवा अब भैया जिनको जिधर जाना होगा वो उधर डोल जाना, दोनों हिस्से अलग अलग हैं, जो लोग y by c से पहुंचना चाहना इससे, जो लोग y by c के बाद sec i में जाना चाहना वो लोग नीचे वाले टुकड़े पर चले आना, ठीक है, लिखना बट y is equal to c sec i, y is equal to c sec i, this implies that, इसका मतलब हुआ अब y की वैल्यू रख रहे हैं, n into c is equal to c into sec साई, और देखो c से c कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज दैट sec साई इज इक्वल टू कितना n, याद करो वहां फार्मूला क्या होता था,
x बराबर c log sec i plus tan i, तो sec i की वैल्यू कितनी आई है n, देखो ना n, यही चीज दोनों रास्ते से ये थोड़ा सा लंबा चला गया वही कुच्ची भर में निकल आया y by c is equal to, तुम्हारे ऊपर है तुम जिससे चलना चाहो हम दोनों घेर दे रहे हैं चाहे इधर से आओ चाहे इधर से और सुनो एक के रास्ता चलना नहीं बाद में कंफ्यूज रहोगे सब लोग लिख लो फिर आगे बढ़े वो लिख रहे हैं पीछे वाले को लिख रहे हैं जल्दबाजी इसमें नहीं कर सकते ना इसमें इत्मीनान से लिख ले समझ ले जो ना आए पूछ ले बाद में कुछ बाद में नहीं बताएंगे इसका कुछ भी हाँ अरे अंग्रेजी इतना जो मेरी ना हम कहें ना कहाँ शुरू कहाँ खत्म अजीब दास्तान है ये मेरी अंग्रेजी माशाल्लाह चलती है जानते हो इस समय ना मेरी याददाश्त का कुछ भरोसा नहीं है उधर थर्ड ईयर में एक लड़की आती है पढ़ने के लिए उसका नाम सौम्या है अभी हमको याद करके बोलना पड़ा उसका नाम सौम्या है हम उसको पूरी क्लास में पूर्णिमा ही बुलाते अब वीडियो लेक्चर में उसको पूर्णिमा नाम दिए हैं और लखनऊ गए थे तो एक लड़का शुभम है घर पे आता नेट पढ़ने के लिए शुभम को लेकर के गए थे और जाने कितनी बार सोचो एक साल से शुभम मेरे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हम शुभम जानते उसका नाम शुभम मोबाइल में शुभम से शुभम नाम से बुलाते हैं लेकिन वहां जाने कितनी बार हम उसको सौरभ नाम से बुलाए और उसको कहे भी हम कि यार हम तुमको हर बार बार कहे सौरभ सौरभ बुला रहे हैं ना बोल लो दोस्त याद इतना हमको अपनी याद आ जाए बड़ी बात है ना हमको किसी की याद नहीं आती इतना हम भूलते बहुत जल्दी है हम आजकल ना दवा का असर चाहे कह लो चाहे जो भी है भगवान जाने किसका असर है भूलते बहुत हम अपने रूम से निकले दूसरे रूम में किताब लेने के लिए जा रहे थे हम भूल गए हम क्या जा रहे थे आके दीदी से बताने लगे संतरा खा रहे हैं खाने के चक्कर में भूल गए और हमको अगले एक घंटे तक नहीं याद आया कि हम कौन सी किताब लेने के लिए निकले थे अब सोचो उस दिन आए उनको दौड़ा करके क्यों भेजना पड़ा सब सामान लगा करके दवा रख करके सामने दवा रखी थी सब छोड़ करके आए थे कि चलते वक्त उठा करके लेते सामने था सबको सामने रखा था बाइक टांगे चल रही है ये नहीं याद है इसकी भी जरूरत है मंगलसूत्र याद नहीं आया कि इसकी भी जरूरत है बिना इसके रिकॉर्डिंग कहाँ होगी दवा आंख में पड़ रही है चलो जो भी है एक दिन ऐसा होगा नहीं एक दिन ऐसा होगा ना एक दिन ऐसा होगा हम कहेंगे हम गढ़ते पढ़ाते इतिहास पढ़ाते चलो तूतनखामन की खोपड़ी खोलते हैं तो दो दिन से फिजिक्स पढ़ना शुरू हाँ पढ़ाने में हो सकता है विपिन की क्लास हम ले लें अब फिर विपिन को पढ़ाना पड़े मैं ये हटा रहे हैं ठीक है अब ये याद रखना सुनो जिस भी मेथड से गए हो अपना मेथड याद रखना जिससे भी लिखे हो हम दोनों दिखा दिए इसीलिए करके आप अगली बात सुनो आप पारी टेन साई की क्योंकि सेक्स आई आपको मिल चुका है सेक्स आई कितना है एन है टेन की अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन इनका किससे निकाले सुनो सेक्स आई इज इक्वल टू कितना आया एन तो सेक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू एन स्क्वायर दिस इंप्लाइज दैट वन प्लस टेन स्क्वायर साई इज इक्वल टू ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट tan स्क्वायर साई इज इक्वल टू tan स्क्वायर माइनस वन तो tan साई बराबर अंडर रूट tan स्क्वायर माइनस ये रहा एक तरीका अब बता रहे कुल बताएंगे ना अब इसको फिगर से कर निकालेंगे ये तो बहुत आसान है सब लोग कर सकते हो इतना हर तरीका सीख रहे हो एग्जाम में जहां दिमाग लग जाए ना वही निपटा देना एक तो ये हुआ सामने मौजूद है ठीक दूसरा तरीका सुनो पाई फिगर लिखो एट द पॉइंट कैपिटल ए यहां पर
एट द पॉइंट कैपिटल ए. सुनो, आर्क सी ए की लेंथ कोई बोलेगा आर्क सी ए एल बाई टू, लिखना एट कैपिटल ए आर्क सी ए इज इक्वल टू एल बाई टू. आर्क सी ए इज इक्वल टू एल बाई टू. लेकिन मुझको पता है इसी आर्क लेंथ को तो हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते आए हैं, तो दैट इज अर्थात एस इज इक्वल टू कितना हो गया एल अपॉन टू लिख सकते हैं. लेकिन मुझको यह भी पता है यस बराबर क्या होता है सी टेन साइड, बट एस इज इक्वल टू सी टेन साई. दिस इंप्लाइज दैट बोलो सी टेन साई इज इक्वल टू कितना एल अपॉन टू. दिस इंप्लाइज दैट टेन साई बराबर टेन साई बराबर एल अपॉन टू सी. सही है गलत? लेकिन कुछ गलत लिखे हैं क्या? नहीं नहीं ना ना. अरे सुनो इधर गौर करो, जब कैटनरी ये बन रही थी पूरी ठीक, तो जब यहाँ पर पॉइंट कैपिटल पी लिए थे तो वर्टेक्स सी से इस दूरी को हम लोग कितना मान लेते हैं स्मॉल एस. लेकिन ये पॉइंट पी तो वेरिएबल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है. तो अगर ये पॉइंट पी उठ करके यहाँ कैपिटल ए पर हो गया, अब ये नहीं रहा, तो अब जो आर्कुअल लेंथ है वो ये मानी जाएगी पूरी पूरी. और इस लेंथ को मेरे पास पड़ा, ये लेंथ कितनी है एल अपॉन क्लियर है. तो इसी पॉइंट पी एक जनरल पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है पूरे कैटनरी पे. आज मुझको जिस पॉइंट पर सस्पेंशन है वहां पर टेंशन दिया गया है, तो मेरे लिए कंसीडरेबल पॉइंट कौन हो गया कैपिटल ए हो गया. तो हम कैपिटल ए को कंसीडरेबल पॉइंट यानी पी को हम क्या मान लिए कैपिटल ए. तो अब जो दूरी एस थी वो कितनी हो गई एल अपॉन टू. अगर बी बीच में लेंगे तो टेंजेंट वही मिलेगा किसमें बी अगर बीच में टेंजेंट ये लेंगे टेंजेंट भी ये बदलता रहता है. अभी टेंजेंट ये है ए पर, अगर आप पी को यहाँ लेते हो तो टेंजेंट ये होगा. टेंजेंट इससे नहीं होगा, किसी कर्व पर खींचा गया टेंजेंट केवल एक पॉइंट पर ही टच करेगा ना. तो आप यहाँ टच कर लिया तो यहाँ टच करने का सवाल ही नहीं उठता है. इससे हम रास्ता अगर बदलना चाहें, इससे अगर रास्ता बदलना चाहें L by 2 is equal to मेरा ये तो आ गया था C tan psi. अच्छा सुनो नहीं नहीं वो छोड़ो उसको, tan psi तो ठीक है, वो तो sec वाले से भी मेरा काम बन जाएगा, sec से मेरा काम बन जाएगा, वो ज्यादा आसान पड़ेगा. यहाँ से C की वैल्यू निकालने वो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा. सुनो इधर इधर गौर करो, this implies that थोड़ा सा इधर एक लाइन में मतलब कर लिखिए C is equal to L upon, सारे लोग इधर देखो सामने, C is equal to, C को इधर लाओ, L upon 2 tan psi लिखा जा सकता है. C is equal to L upon 2 tan psi और sec psi बराबर कितना आया है n, तो tan psi की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट tan स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी. दिस इंप्लाइज दैट C is equal to L upon 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 यानी देना सिंस n is equal to sec psi. अलग से नहीं इसी में निपटाएंगे, ज्यादा सही है वरना बिना मतलब तक खींचेगा. C is equal to L upon 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1. बस चढ़ गई और गर्दन घुमा दिए बस चढ़ गई होल्ड लीजिए सुनो सारा काम हो चुका है ठीक है. sec साई चाहिए था, tan साई चाहिए था और c चाहिए था, मेरा सारा काम हो गया. दियर फोर दो मिनट सब लोग लिखना बंद करो, दो मिनट सारे लोग लिखना बंद करो, इधर आओ. दियर फोर स्पाइन ऑफ कैटनरी लिखना, स्पाइन ऑफ कैटनरी 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना, 2x बराबर कितना c log sec psi plus tan psi, तो हो जाएगा 2x is equal to 2 c log sec psi plus कितना tan psi लिखा जा सकता है. क्योंकि आपको स्पैन निकालना, कोई भी x निकाल के नहीं रखेगा. स्पैन कौन होता है, x स्पैन नहीं है, स्पैन x का दो गुना है 2x है. तो दिस इज इक्वल टू 2 into c की वैल्यू रखो l अपॉन
टू अंडर रूट टेन स्क्वायर माइनस कितना वन लॉग सिक्स आई कितना आया था टेन प्लस टेन आई कितना था अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस कितना वन क्या ये टू और ये टू कैंसिल आउट होगा तो स्पैन बराबर कितना आया एल अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन लॉग ऑफ दिस क्या यही स्पैन है आंसर आ चुका है दोनों पॉइंट पर टांगा गया है उनके बीच की दूरी तो ए से लेकर के मिड तक की दूरी कितनी है एक्स तो ये दूरी भी कितनी होगी एक्स तो फैलाव कितना होगा टू एक्स इसीलिए स्पैन हमेशा क्या लिया जाता है टू एक्स आप समझ एक का लेके चले तब भी तो वही आएगा किसका केवल एक्स लेके चलो भी वही आएगा सोच लो ये बाई टू बचा रह जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा ना टू एक्स हो जाएगा अच्छा अरे तो तू जोड़ तोड़ भाई नहीं हम ऐसे सीधे कर दिए यहाँ यहाँ कर दिए तो मिडल वैल्यू तभी हम कहें सिंगल लेने पर भी वही स्पैन कैसे आ सकता है टेन साइन कहाँ से आया टेन साइन लिखा ही नहीं टेन स्क्वायर माइनस वन लिखा ही नहीं है जब सेक्स आई निकाल दिया ना ये लिख दिया n बराबर सेक्स आई और इसी का यहाँ इस्तेमाल कर लिया फिगर ऊपर से ना निकालो बवाल बिना मतलब का बवाल पा लिया ये ऐसे चिबिल्लई वाला इनका रहता है ना ऐसे वो एक दिन कौन सा था ऊपर एलआई बताए हैं तो नीचे एलआई क्यों बताए ऐसा कुछ कि स्पैन क्या था कुछ था ऐसे ऊपर बताए तो नीचे का बता रहे आंटो उसी में अटके पड़े हुए थे जवान मेरी कलम मेरी बोर्ड मेरा क्लास मेरी जवान उनके त्यौहार हम तो लिखेंगे क्या कर बोला है क्या आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं हाँ बिल्कुल काम भी कर सकते हैं एक ना सर हाँ बस कितना बजा हो गया 20 हो गया 9:20 नहीं वो छोड़ना पड़ेगा ना सवाल लिखने में चला जाता है इसका अच्छा एक मिनट आंसर है यहाँ के पास किसी पे रोक दो किसी पे रोक दो